हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपके पास भी इस तरह की सिल्क की साड़ियाँ हैं? जी हाँ, ये मैंने अमेजोन से परचेज करी थी और अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट करी थी और अब ये हो चुकी है पुरानी, मतलब उनका पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं इस साड़ी को मतलब पूरा पैसा वसूल करने वाला ये आइडिया है, क्योंकि देखिए साड़ी तो पहन ली ठीक है, और अब इसका कुछ बहुत खास यूज़ करने वाली हूँ इस विंटर में। जी हाँ, आज का जो वीडियो है ना वो इस विंटर में आपसे यूज़ कर सकते हैं और इस विंटर के बाद भी आप इसे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी क्विल्ट इस साड़ी से और एक बेडशीट से। तो आप सोचेंगे क्विल्ट मतलब फिर वही रजाई में वो टकिंग वाला काम? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी और आप इसे एक नहीं दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको बेडशीट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप इसको क्विल्ट के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दो दो तरीके से आप इसे यूज़ करिए और बहुत सिंपल, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं है। साड़ी है मेरे पास एक और एक मैं बेडशीट यूज़ करूँगी और कोई एक्स्ट्रा कोई कटिंग नहीं, कहीं कोई पैच वर्क कुछ नहीं, कोई स्टिचिंग वगैरह कुछ नहीं। बहुत सिंपल, नॉर्मल जो बेसिक स्टिचिंग होती है बस उतना ही करेंगे और बनाएंगे काम की चीज़। तो ये है साड़ी और इसी से ही आज मैं बनाऊंगी। और इसका कलर जो है वो थोड़ा फेड हो चुका है, बाकी साड़ी की कंडीशन ठीक है, कहीं फटा नहीं है। और इसमें टसल्स लगे हुए हैं पल्ले वाले पोर्शन पे, तो पल्ला अलग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम नापेंगे। तो ये है इसका पल्लू वाला पोर्शन और यहाँ पर इसमें देखिए गोल्डन जरी वर्क की स्ट्रिप्स हैं और इनको मैं हटा दूंगी। बाकी साड़ी पूरी सिंपल है, प्लेन है, बॉर्डर है इसमें, इन बॉर्डर को ही यूज़ करेंगे। देखिए पूरी साड़ी येलो कलर की है, मस्टर्ड येलो है और बाकी बॉर्डर है, तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये देखने में ख़राब ना लगे और भी ज़्यादा सुंदर लगे। साड़ी के अलावा मैं यूज़ करूँगी पुरानी बेडशीट। जी हाँ, डबल बेड की बेडशीट यूज़ करूँगी। आप चाहे तो बेडशीट ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई पुराना फ्लीज वाला ब्लैंकेट है या फिर थोड़ा मोटा ब्लैंकेट है, आप उसको भी ले सकते हैं। इससे पहले मैंने ब्लैंकेट को ही यूज़ करा था और वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है इस विंटर में। आप उसको बिछा सकते हैं, आप उसको ओढ़ सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस बेडशीट को यूज़ करूँगी। अब इसके ऊपर डबल कवर बनाने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए और मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बेडशीट को फोल्ड कर दूंगी तो प्रॉपर लंबाई निकल आएगी और चौड़ाई भी निकल आएगी। तो बेडशीट को सिंपल फोल्ड कर लीजिए, अगर आपके पास जगह है तो आप पूरा खोल लीजिए। तो यहाँ पर मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए फोल्ड हो करके ये पूरा आ गया। अब इतना ही हमको साड़ी चाहिए, तो साड़ी देखिए बहुत लंबी होती है, पल्लू वाला पोर्शन निकाल देंगे लेकिन पहले हम इसको नापेंगे। तो साड़ी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, पल्लू पोर्शन अलग कर दिया है क्योंकि वो मुझे चाहिए ही नहीं। ये इस तरीके से पूरा बराबर नाप लिया, तो देखिए बराबर चौड़ाई आई है, बराबर लंबाई भी आई है, कहीं कोई कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। साड़ी यहाँ पे मेरी मुड़ी हुई है और बराबर से मैंने नाप लिया है। अब पल्लू वाला पोर्शन आप अलग कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन यहाँ से हमको कट लगाना है। दोनों साड़ियों को मैंने बेडशीट के बराबर कर लिया और जितना एक्स्ट्रा है वो है पल्लू का पोर्शन, ये देखिए इसको भी मैंने निकाल लिया। तो पल्लू के पोर्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, उसको मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो अब करते हैं साड़ियों को जॉइंट। तो देखिए साड़ियों में ना जो बॉर्डर है जो फॉल की तरफ आते हैं नीचे की तरफ, वो काफ़ी चौड़ा है और ऊपर जो आता है वो थोड़ा सा पतला है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो चौड़ा वाला बॉर्डर है उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि बीच में जब हम अपनी पूरी बेडशीट या ब्लैंकेट बनाएंगे तो वो बीच में डिज़ाइन आए, ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे। और जब ग्रीन कलर का बॉर्डर मस्टर्ड कलर के ऊपर आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ अपनी साड़ियाँ। और साड़ियों में जो फॉल है ना, आप फॉल को निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉल के साथ स्टिच करेंगे तो बीच में झोल आएगा और वो बहुत ख़राब लगेगा। तो आप पहले फॉल निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों बॉर्डर को ज्वाइन करना है आपको, तो बस आपको एक ही स्टिच करनी है। पहले साड़ियों को अच्छे से नाप लीजिए, उसके बाद आपको इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ बॉर्डर टू बॉर्डर। साड़ियाँ एक जैसी होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए और उतनी ही लंबाई, मतलब पूरी लंबाई मेरी बेड के बराबर ही है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको पूरा एक स्टिच कर लेते हैं।
तो ये देखिए साड़ी मैंने पूरी स्टिच कर ली और इसके ऊपर आयरन भी कर लिया है। अब आयरन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपकी स्टिचिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगी और कहीं भी रिंकल्स आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट के ऊपर ही बिछाई है, ये मेरी बेडशीट ब्लैंकेट है और ये देखिए, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि अगर आपको ब्लैंकेट यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे की तरफ आपकी ये बेडशीट रहेगी जो अभी मैंने बनाई है और ब्लैंकेट आपका इसके नीचे रहेगा, लेकिन उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आप नीचे रखिएगा ताकि आप उसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इधर से आपकी हो जाएगी बेडशीट और उधर से हो जाएगा आपका ब्लैंकेट और आप इसे दोहर की तरह, बेडशीट की तरह और ब्लैंकेट की तरह तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बस चारों तरफ से सिलाई करनी है, क्योंकि देखिए साड़ी में जो बॉर्डर होता है ना वो पूरा कंप्लीट होता है, कहीं से खुलने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, ना ही कोई मतलब कुछ भी थ्रेड नहीं निकलेगा, तो आपको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऊपर से स्टिच कर दीजिए, बस आपका दोहर, बेडशीट और ब्लैंकेट तीनों रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लैंकेट को यूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेडशीट से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट को मैंने उल्टा करा सेम जैसे मैंने अभी बताया था और उसके ऊपर रखूँगी ये साड़ी। अब आपको इसको चारों तरफ से सिलना है, जी हाँ चारों तरफ से इसको सिलना है और इसके बाद हम इसको पलट देंगे, थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ देंगे ताकि वहाँ से हम इसको निकाल लें। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको सिल लिया है और पलट भी दिया है, इसके कॉर्नर को भी अच्छे से निकाल लीजिए। अब इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच करनी है, लेकिन जो खुला हिस्सा है ना जहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला है उसको भी बंद करना है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं या फिर ना लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये है इसका खुला हिस्सा, इसको इस तरीके से आपस में ज्वाइन कर लीजिए कपड़े को अंदर की ओर करके और इसको पूरा सिल दीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर चारों तरफ से स्टिच भी कर सकते हैं और ये आपका मजबूत सा दोहर और बेडशीट दोनों रेडी हो जाएगी। देखिए डबल फैब्रिक हो गया है तो ये और भी मजबूत हो गया है। ये तरीका बहुत ही आसान है अपनी साड़ियों को एक नया लुक देने का और साथ ही साथ अपनी बेडशीट को ना फिर से नई लाइफ देने का। तो देखिए साड़ी भी रीयूज हो जाती है और बेडशीट को भी एक नई स्ट्रेंथ मतलब एक मजबूती मिल जाती है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये रेडी है यूज़ करने के लिए। आप इसे दोहर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बीच में स्टिच कर दीजिए एक दो लाइन, जैसे कि 5-5, 6-6 इंच पे गैप में, या फिर आप कुछ भी ना करें तो भी चलेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लैंकेट यूज़ करें तब आप चाहें तो कॉर्नर में थोड़ा सा स्टिच कर दें, हाथों से टक कर दें, या फिर हल्का सा सर्कल करके या कोई किसी भी पैटर्न की तरह से आप उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए कॉर्नर्स में अच्छे से निकले हैं, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि फैब्रिक डबल हो गया है। तो मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ और ऐसे ही यूज़ करूँगी, मैं बीच में भी स्टिचिंग नहीं करूँगी। तो ये हो चुका है मेरी तरफ से पूरा रेडी। चलिए मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा बेड पे। तो ये देखिए बेडशीट पूरी रेडी है, बहुत ही प्यारी बनी है और साथ ही साथ उस पल्ले वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। जी हाँ, थोड़ा सा कपड़ा था तो मैंने इसे बनाए हैं 2 कुशन कवर और कुशन कवर में भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज़ करा है, जो उसमें टसल्स लगे थे ना उसको कट करके मैंने सेंटर पर लगाया है, तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के आया है। बीच में कोई सिलाई नहीं है, दोनों कपड़े अलग हैं लेकिन कहीं से भी आपको गैदरिंग नहीं दिखेगी। साड़ी को बीच से ज्वाइन करके इसको चारों तरफ से स्टिच कर दिया बेडशीट के साथ, तो ये हो गई एकदम बढ़िया डिज़ाइनर सी बेडशीट। और ये काफ़ी चौड़ी बनी है, ये देखिए इतना सारा इसमें स्पेस है, ये जो बॉर्डर है इसके अंदर चला गया। और देखिए फिनिशिंग देखिए, कहीं से भी आपको कुछ भी फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि बेडशीट मेरी काफ़ी बड़ी थी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने साड़ी को भी उतना ही बड़ा करा है। तो काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी लंबा है बेडशीट और बहुत प्यारा है। तो ये तरीका ना सबसे आसान है बेडशीट बनाने का, क्विल्ट बनाने का और अपने ब्लैंकेट को यूज़ करने का। जी हाँ, इस विंटर में अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं, तो मैं बोलूँगी ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि देखिए विंटर में सिल्क आप यूज़ करिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सोने में बैठने में यूज़ करने में बहुत प्यारा लगता है। और ये है मेरा प्यारा सा कुशन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पल्ले का फुल यूज़ करा है मैंने, इतना ही कपड़ा था और उसको मैंने जोड़ करके, मतलब पीछे आपको जोड़ दिख रहा होगा कि किस तरीके से इसमें डिज़ाइन निकाला है। इसका फुल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, आप उसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और फुल पैसा वसूल आइडिया है, अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ हो तो ज़रूर यूज़ करिए।
तो पुरानी साड़ियों से सिर्फ ड्रेस ही नहीं, आप बहुत कुछ नया नया क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास जब कस्टमर्स आते हैं और वो ड्रेस के अलावा सोचते हैं कि क्या करें हम इन साड़ियों का क्या करें, तो मैं उनको बहुत सारे आइडिया देती हूँ। तब मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि साड़ियों को आप होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उनसे बहुत कुछ नया नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे इसी तरह के आइडिया हैं जिनसे मैं साड़ियों से ही या फिर पुराने कपड़ों से ही अलग अलग तरीके से उनको रीयूज़ करना बताती हूं। कैसा लगा आपको आज का मेरा पुरानी साड़ी का ये रीयूज़ आइडिया? अगर पसंद आया हो तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।